तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉयल्स ए एंड बी, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस, विच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। व्हाट आर द करेंट इन द थ्री केसेस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 220 वोल्ट है, हैज़ टू रेजिस्टेंस, इसके दो रेजिस्टेंस है, जो दोनों रेजिस्टेंस है वो 24 ओम के हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, V इज इक्वल टू दिया है मेरा क्या 220 वोल्ट, और मेरा R दे दिया है 24 ओम, ठीक है। When the coil used separately, the current in the coil given by, तो देखिए V is equals to IR, I is equals to B upon R, तो B की value क्या है मेरा 220 upon 24, तो क्या आ जाएगा मेरा 2 1 2 2 2 1 2, इतना मेरा 2 6 2 5, यानी 55/6 9.16। ये देखिए बेटा 9.16 मेरा ओम आ जाएगा, ये जब सेपरेटली कनेक्टेड है तब। अब देखिए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं सीरीज में, पहला बोला है सीरीज, ठीक है। जब दोनों कॉयल को कनेक्ट कर दिए हम सीरीज में, द करेंट देन द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालने बैठा तो R इज इक्वल्स टू R1 + R2, R1 की वैल्यू है 24, R2 की वैल्यू भी है 24, तो हो जाएगा क्या 48 ओम। अब इसको क्या कर दे, अब इसका हम निकालें करंट, तो देन द करंट, तो करंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल्स टू बी अपॉन आर, तो B की वैल्यू क्या है, तो 220 अपॉन 48, तो क्या हो जाएगा ये एम्पियर, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं, अब हम इसको क्या कर दिए, अब हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए, अब हम क्या करेंगे थर्ड, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, तो रेजिस्टेंस होगा मेरा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R, 1 + 1/R 2, तो हो जाएगा 1/24 + 1/24, यह जाएगा 2/24 1/12, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 ओम। अब देन द करेंट देन द देन द करंट बेटा क्या होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V हमारा क्या है 220 अपॉन ये 12, तो ये देखिए बेटा ये तीन में ही, ये थर्ड है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, ठीक है। ये तीनों केसेस में मेरा इलेक्ट्रिक करंट फाइंड हो गया, इसको आप बोल सकते हो I1, I2 और ये I3 है, इनका थ्री केसेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोला है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद द 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स, ठीक है, 1 ओम और 2 ओम रजिस्टर्स है, 6 वोल्ट बैटरी है, तो कंपेयर द पावर, ठीक है, हमको पावर को कंपेयर करना है, तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं बेटा,
तो पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू 6 वोल्ट दे दिया, और आर वन दे दिया है 1 ओम, और आर टू दे दिया है हमारा क्या 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा क्या होगा बेटा, आर इज इक्वल्स टू सीरीज में है ठीक है, सीरीज में आर वन प्लस आर टू, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3 ओम ठीक है। तो हमको पावर फाइंड करना है बेटा, कि बेटा मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, अब हमको भी दिया है आर दिया है, लेकिन हमको पावर, पावर का फार्मूला था आई स्क्वायर आर, तुमको आई फाइंड करना है, तो करेंट आई इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ से वी अपॉन आर हो जाएगा। तो वी क्या होगा 6 वोल्ट और आर है मेरा 3, तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर ठीक है। अब क्या होता है, पावर निकालना है, क्या पावर, पावर पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, दे दिया है हमारा कि 2 ओम रजिस्टर है, तो आई स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 2 तो हो जाएगा 8 वाट ठीक है बेटा। अब देखिए सेकेंड में क्या बोला है, सेकेंड बोला है कि 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल ठीक है, यानी कि जो हमारा भी दे दिया, हमारा 4 वोल्ट दे दिया डिफरेंस, आर वन की वैल्यू क्या दिया है 12 ओम, और आर टू की वैल्यू दिया है 2 ओम। तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 12 1 + 6 7/12 आ गया ठीक है। तो अब क्या आ गया मेरा R की वैल्यू क्या आ गई 12/7 1.71, तो R की वैल्यू क्या आ गई 1.71 ओम ठीक है बेटा। अब देखिए क्या होगा, सेम वही कंडीशन आप कर दीजिए कि R आ गया मेरा, तो अब हम I निकाल लें, करेंट, करेंट I, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो वी की वैल्यू कितना दिया है 4, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 400/171। तो सॉल्व करेंगे तो 2.33 एम्पियर हमारा आ गया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, आई मिल गया, आर मिल गया, अब हम पी की वैल्यू निकालें, पावर पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर 2.33 स्क्वायर इंटू आर टू ठीक है। तो इसकी पावर की वैल्यू हो जाएगी 10.84। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।